रेलवे पुलिस द्वारा रावण को किया गया थाने में बंद। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, ये तस्वीरें खुद ही बयान कर रही हैं कि पिछले साल हम सबको बताया कि जैसे अमृतसर में रेल हादसे के दौरान दशहरा मेला जो मनाया जा रहा था वहाँ पे कितने लोगों की मौत हो गई थी, अब उसी तरह फिर से यहाँ पे बिना अनुमति के रेलवे ट्रैक पर दशहरा मनाया जा रहा था, उसको देखकर रेलवे पुलिस सख्ते में आई और वह रावण को थाने में उठाकर ले जाकर उन्होंने बंद कर दिया। ये रावण के 9-10 पुतले हैं जो धूरी लैंड से हमने इनको उठाया है वहाँ से, तो इसको हमने 102 CRPC में अनक्लेम्ड, जो कोई इस पर किसी ने दावा नहीं किया, लेकिन रेलवे लाइनों पर कोई सुरक्षा को देखते हुए ये सारा हमने ये कार्य किया है। एक्चुअली ये रावण के पुतले हैं और तो मुझे कोई लगता नहीं कि किसी के एक जैसे ही हैं सारे, जो कुछ कंप्लीट थे कुछ अनकंप्लीट थे। जब हमने उठाने शुरू किए धूरी लैंड से तो लोग देखकर भागे। ये सारा कुछ जो है रेल हादसे को देखकर ही किया गया, क्योंकि पहले बहुत बड़ी दुर्घटना वापर चुकी है कि दोबारा ऐसी घटना ना वापरे, रेलवे ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए थे। अभी तक इनको तो हमने 102 CRPC में लिया है, तो इसको पुलिस कब्जे में है हमारे पास, तो इसको मजिस्ट्रेट के पास इनकी जो है इन्फॉर्मेशन भेज दी जाएगी। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब TV।